दोस्तों, एक और टिकटॉकर जो कि पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर भी हैं, उनकी वाइफ है और खुद एक बहुत बड़ी टिकटॉकर है रूप जितो, उसकी वीडियो जो है वो लीक हो चुकी है। अब इस वीडियो के लीक होने के पीछे जब डक्की भाई को इस वीडियो का पता चलता है तो डक्की भाई जो बयान देते हैं वो जरा सुनिएगा। मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बड़े दुख के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछले दिनों मेरी वाइफ की किसी ने वीडियो बना के उसको वायरल किया, उसकी इज्जत के साथ इतना खेला। जी दोस्तों, आप लोगों ने डक्की भाई की बात सुनी है कि आज ये वीडियो जो है अरूप जितोई की एआई जनरेटेड है, एआई से बनाई गई है ये वीडियो। तो डक्की भाई अभी ये कह रहे हैं कि जो बंदा इस बंदे को पकड़वाएगा, जिस बंदे ने एआई की मदद से ये वीडियो बनाई है, तो मैं उस बंदे को जो है 10 लाख रुपए दूंगा। तो डक्की भाई, आपको पहले सोचना चाहिए था। अरूप जितोई एक काम से घर की लड़की थी, आप खुद इंटरव्यूज में बताते हैं कि वो जो है आपसे भी कॉल पर बात नहीं करती थी। तो आपने खुद जो है उसको पबजी पे लगाया पहले, उसके बाद फिर आपने टिकटॉक पे लगाया, और पीछे उससे आपकी शादी होगी तो आपने उसको यूट्यूब पे भी लगा दिया। तो सबसे पहले जो है गलती आपसे हुई है, तो आपको खुद की अपनी इज्जत जो थी वो यूट्यूब पे इस तरह सोशल मीडिया पे नहीं लेने के आनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, जिस बंदे ने आपकी वाइफ की वीडियो बनाई तो उसने गलत किया, उसको कानूनी तौर पे सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से आप अगर पैसे बांट बांट कर किसी को सजा देते फिर होगी तो इस तरह से सजा नहीं मिलेगी आपको। जो है वो लीगली तौर पर जो कानूनी सजा है वो उस बंदे को दिलवानी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप जितने भी फैमिली कॉन्टेंट बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं, उन सबको ये सबक मिल चुका होगा कि इस तरह से फैमिलीज को लेके ये आना यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे वो ठीक नहीं है। तो आई होप आपके केस है, बाकी लोग भी सारे जो हैं उससे फ़ायदा उठाएंगे, उनको भी समझ आएगी कि वो इस तरह का कंटेंट अब ज़िंदगी में आगे नहीं बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी जो ये वीडियो आज अच्छी लगी होगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।